एप्पल साइडर विनेगर किस टाइम बेस्ट है? पहले तो आप ये समझें कि एप्पल साइडर विनेगर आपने लेना क्यों है वेट लॉस के दौरान। देखिए, एप्पल साइडर विनेगर जो है वो एंटाई ऑक्सीडेंट है, आपके मेटाबॉलिज्म को एंटाई ऑक्सीडेंट्स, जितनी भी एंटाई ऑक्सीडेंट्स चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन टी है, ग्रेप फ्रूट है, लेमन है, ये आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है। वेट लॉस के दौरान आपको मेटाबॉलिज्म फास्ट करना होता है, जिसके थ्रू आप जल्दी फैट बर्न करते हैं। तो एप्पल साइडर विनेगर आपकी बॉडी के लिए काफी फायदेमंद होता है, एंटाई ऑक्सीडेंट है, बैक्टीरिया रिमूव करता है आपकी बॉडी के अंदर से। तो इसका जो बेस्ट टाइम है लेने का वो है मॉर्निंग में, नीम गर्म पानी के अंदर एक चम्मच सुबह उठते साथ ही आप एक चम्मच जो है एप्पल साइडर विनेगर लें। लेकिन अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट एवरीथिंग कम्स विद इट इट्स डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेट्स सपोज 3 महीने 4 महीने ले रहे हैं, तो क्या होगा कि आपकी हड्डियां जो है वो करोड़ होना शुरू हो जाएंगी, थोड़ी सी गलना शुरू हो जाएंगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो आपने क्या करना है कि एक महीना यूज किया, फिर एक महीना लेमन हनी वाटर यूज करें, फिर एक महीना एप्पल साइडर विनेगर यूज करें, थोड़ा सा ब्रेक दे दे के जो है ना वो चीजों को यूज करें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आई एम टेलिंग अगेन, जहां चीजों के फायदे हैं वहां नुकसान भी हैं। तो एप्पल साइडर विनेगर को लेने का बेस्ट टाइम तो मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बता दिया कि आपको इसको क्यों लेना है, इसकी लेने की वजह क्या है और आपने इसको कैसे लेना है। गुड लक टू यू।